31 वर्षीय सैनिक पुष्पेंद्र 18 दिन पूर्व अपनी दादी के स्वर्गवास के समय गांव आया था, जो बुधवार को अपनी पत्नी पुष्पा देवी और एक 10 माह के बेटे आदित्य को स्कूटी पर बिठाकर किरावली आगरा अपने किसी साथी के गांव जा रहा था। रास्ते में वो परे क्षेत्र में पहुंचा ही था, तभी हाईवे पर दौड़ रहे एक टेम्पो ने उसमें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सैनिक पुष्पेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्पेंद्र को मृत घोषित कर दिया। गुरुवार की शाम को 5 बजे मृतक के पैतृक गांव बिरहना में सैनिक को अंतिम विदाई दी गई, जहां मथुरा यूनिट आर्मी के जवानों ने शस्त्रों के साथ जवान को सलामी देकर सैनिक सम्मान के साथ उसे अंतिम विदाई दी। सैनिक पुष्पेंद्र को उसके बड़े भाई अनिल कुमार ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर सभी की आंखें नम थीं। मृतक सैनिक के 2 बेटी और 1 बेटा हैं। सैनिक के मौत से पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। भैया, ये जो घटना हुई है क्या है? ये मेरा चचेरा भाई था छोटा, और ये लुधियाना पोस्टिंग था सिग्नल में। तो ये दादी के कार्य के लिए उपलक्ष्य में छुट्टी आया था और अपने मित्र से मिलने जा रहा था आगरा। तो खरे के बाद में कहीं पे टेम्पो से इसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। सर, यहाँ अभी जो इनके स्टाफ के जो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि दी है, तो उसके क्या कहोगे? वो ये एक मतलब फौजी आदमी जब ख़त्म होता है तो उसको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सलामी वगैरह सम्मान के लिए उसके लिए। तो ये मथुरा स्टेशन हेडक्वार्टर से भेजे गए। तो सर, ये जो फौजी भाई जो ख़त्म हुए हैं, इनके कितने बच्चे हैं? इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है 10 महीने का।